गाइस वेलकम बैक, मेरा नाम है अमन। सो गाइस, कल आपने देखा था मम्मी और खुशबू गए थे करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। सो वो लोग शॉपिंग कर आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है आज का दिन है करवा चौथ का। और आज की वीडियो में मेरा कोई भी काम नहीं है, आज की वीडियो में सिर्फ काम है पायल खुशबू मम्मी पापा का, और मैं तो सिर्फ है ना कैमरा मैन बनने वाला हूँ। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो बनाने के लिए। और गाइस, आज करवा चौथ है और मम्मी देखो कैसे सोई हुई है। बिचारी मम्मी है ना, सारा काम करके ना थक चुकी है, इसलिए आराम से सो गई है। अब मैं इसे ना सोने देता हूँ। और गाइस, आज की वीडियो जो है वो मैंने देखो कितने बजे स्टार्ट किया है, 3:30 बजे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है ना गाइस, तो मैं वही कर रहा था। अब मैं पढ़ाई लिखाई कर है ना फ्री हो चुका हूँ, और मैं अभी से लेकर है ना रात तक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के दिन के लिए। जब भी त्यौहार होते हैं ना तो मुझे अलग ही एक्साइटमेंट होती है वीडियो बनाने के लिए। ऐसे तो त्यौहार नहीं होते तो मैं ना थोड़ा लेजी रहता हूँ, लेकिन जब त्यौहार होता है ना तो मेरे अंदर से ही है ना एक्साइटमेंट होती है वीडियो बनाने के लिए। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अभी मैं है ना डांस क्लासेस जा रही हूँ, मैं आऊंगी उसके बाद ही सब कुछ तैयार होना चाहिए। अगर मैंने आने से पहले सब कुछ तुम लोगों ने रेडी करके रख दिया तब तो देख लेना तू। नहीं नहीं, खुशबू आएगी फिर ही हम लोग सारा का सारा चीज जो है वो तैयार करेंगे, क्योंकि खुशबू हमारी तैयारियां करने में ना बहुत ही माहिर है। और गाइस, मैं ना आज मम्मी का इधर जो भगवान जी के पास है वो पूजा करूंगी, क्योंकि मम्मी को है ना पूजा करने लायक नहीं है। क्यों? मम्मी को है ना, समझ जाओ। पन क्या मेरी माँ जो है वो उठने का नाम नहीं ले रही है। अभी मेरा है ना मतलब बाकी रहता ना कुछ भी चीज लाने का तो मेरा तो क्या ही हाल कर दिया होता। अभी मम्मी को है ना फूल लाना है, अभी मम्मी को फ्रूट लाना है, अभी मम्मी को ना पाटला लाना है पूजा करने के लिए। पता नहीं कब तक लाएगी मेरी मम्मी। मम्मी उठो ना, कब से 5 मिनट 5 मिनट कर रही है। मैं बोलता ना 5 मिनट 5 मिनट तो मेरा तो क्या ही हाल कर देती है। मम्मी का व्रत होता है ना तो मम्मी को और नींद आता है, पता नहीं क्यों। मम्मी को ही नहीं सबको आता है, लेकिन जगना चाहिए। खुशबू तू ला देना, एक काम करना सब कुछ ला देना, खुशबू पाटला फूल फ्रूट सब ला देना, ठीक है? डांस क्लासेस से आना तो हाँ, कोई बात नहीं, 5,000 दे दो मुझे, मैं लेके आ जाऊँ। 5,000 का तो नहीं आता हूँ बहन, मैं बार्गेनिंग नहीं करती। प्लीज नहीं, मैं नहीं लाऊंगी। मम्मी उठ जाओ ना, क्या जाना जाना कर रहा था। मैं है ना अभी मम्मी को नेल पेंट लगा देती, क्योंकि मम्मी तो उठने का नाम नहीं ले रही, तो सोते सोते ही लगा देती मम्मी को नेल पेंट। वाह बेटी हो तो ऐसी, सारा माँ का काम कर देती है ना। हाँ तो फिर माँ की बेटी हो ना इसलिए। की ना तबीयत है ना बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए आजकल है ना ये कुछ बोल नहीं रही है। क्या हो रहा है, इसका सर दर्द होते ही जा रहा है। पायल मत जा, चल मेरे साथ हॉस्पिटल चल, एक दिन छुट्टी ले लेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं कितने दिन से छुट्टी ही ले रही हूँ। छुट्टी ले रही हूँ तो फिर सर दर्द रख अपना, मैं क्या करूंगा। जी भी नींद आ रहा है मम्मी आपको आज को, है जाके मुंह धो लो मम्मी, वरना पूरा दिन है ना सोती रहोगे और करवा चौथ भी आपका मन जाएगा। मम्मी आपका हाथ ऐसे करके देखो, ऐसे देखा, ये कौन कलर कर दिया है? ये खुशबू कलर करके गई है। देखा आपको तो कुछ इंटरेस्ट होता ही नहीं, आपकी बेटी को सारा इंटरेस्ट होता है ये सब चीजें करने में, वो सारा कर देती है और मम्मी को अच्छा लगता है ना। खुशबू किसकी बेटी है? मम्मी की। खुशबू को है ना त्यौहार सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। पहले ये तो बताओ मम्मी, पाटला होता क्या है? पाटला कर रही हो आप कब से? ऐसा होता है पाटला, पूजा करते हैं चौकी। हाँ चौकी, वो छोटा वाला है वो चौकी का वाला नहीं। अच्छा चौकी, गांव में पटला बोलते हैं। अच्छा। यहाँ तो पहनने वाले को पटला बोलते हैं, मतलब चूड़ी को पटला बोलते हैं। अरे रे, आप सबके साथ रह रहे के ना मैं क्या क्या सीख रहा हूँ। जो है वो पूजा करने के लिए ये थाली लेकर आई है, और ये वाला पाटला बोल रही थी, ये वाली डिजाइन मम्मी को पसंद आया है। क्या कर रही हो मम्मी? खुल गया है। खुल गया है तो निकालो सब सामान। मम्मी इधर रखू? हाँ। रख दू ना, वरना फिर बोलो कि जूता चप्पल के ऊपर रख दिया। जल्दी से खोलो मम्मी, मुझे वॉशरूम जाना है। चाबी दो। चाबी मेरे पास है कि आपके पास था? आपके पास था, आपके पर्स में था।
सो गाइस मैंने ये भी लिया है, लाइट्स जलाएंगे हम लोग। दो पार्सल जो है वो रिसीव हुआ है, अब इसको है ना खोल के देखते हैं इसके अंदर जो है वो क्या है। खुशबू है ना गाइस कुछ भी मंगाती रहती है, खुशबू का ही पार्सल है। ओ सो गाइस भक्ति वाली चीज ही मंगाई है उसने, ये धूप मंगाया है भगवान जी की पूजा करने के लिए। देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है धूप, इसके अंदर धूप है गाइस। एक जो है वो मोगरे का धूप है और एक जो है वो रोज का धूप है। मेरी बहन कब से इतना ज्यादा पूजा करने लगी। देखो गाइस ये है धूप रोज वाला और ये है धूप मोगरा वाला। पूजा कर रही है मेरी बहन आजकल बहुत ज्यादा, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। चलो भाई इस जमाने में भी बच्चे पूजा कर रहे हैं। मम्मी आप काम करती हो और फिर थक जाती हो और फिर सो जाती हो, इससे अच्छा आज आपका व्रत है ना, तो प्लीज आज है ना आप कोई भी काम मत किया करो। जाती हूँ सो जाती हूँ। नहीं सोने का नहीं बोल रहा हूँ, काम मत करो आराम करो। तो कौन करेगा? बहुत सारा बैठ बैठ के ना सबका स्टेटस देखो, कितना सारा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है सबने करवा चौथ का, यही काम है। मम्मी को गाइस जब तक है ना इसका काम पूरा नहीं हो जाएगा ना मम्मी को चैन ही नहीं मिलता। गाइस आप लोग बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे आपका डायमंड प्ले बटन कहाँ है, आपका डायमंड प्ले बटन कहाँ है गाइस। सो मैं आपको बता दूं कि अभी तक है ना मैंने अप्लाई किया ही नहीं है डायमंड प्ले बटन के लिए। उसमें ना अप्लाई करना पड़ता है तब हमारे घर पे आता है। सो मैं फटाफट से ना अप्लाई करूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं अमन डांसर रियल का डायमंड प्ले बटन। और मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, पता नहीं मैंने अभी तक अप्लाई क्यों नहीं किया, खुद के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। अब मैं फटाफट से ना अप्लाई करूंगा ताकि फटाफट से मेरे पास आ जाए डायमंड प्ले बटन। और गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरे ना 10 मिलियन इतनी जल्दी करवा दिए। 500K से 10 मिलियन आपने एक साल के अंदर ही करवा दिए, इतना ज्यादा प्यार मुझे दे दिया गाइस। आप लोग मुझे ना मतलब डिजर्विंग समझते होंगे तभी ना 10 मिलियन तक पहुंचा है, वरना ऐसे ही किसी को नहीं हो जाते 10 मिलियन। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ने मुझे इतना लव सपोर्ट किया। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, भैया गया था दीदी को लेने के लिए, पर हमारी दीदी जो है ये दीदी वो घर पे आके बैठी हुई है, और भैया जो है दीदी के ट्यूशन के आगे है ना दीदी का वेट कर रहा होगा, और हम उसको फोन भी नहीं कर सकते भैया को, क्योंकि भैया ने एक भी फोन अपने साथ नहीं लिया है। अब मुझे पता नहीं है कि भैया को कैसे पता चलेगा, देखते हैं। उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको कहना चाहिए कि मैं लेने आऊंगा। सो गाइस मैं पायल के ना ट्यूशन से है ना उसको घर पे लाने के लिए ना आधे घंटे तक उसका ना वेट करता रहा, और ये मैडम यहाँ पे आकर घर पे है ना रील्स देख रही है। वाह तो देखो नहीं, मुझे लगा कि छोड़ने नहीं गए तो लेने भी नहीं आओगी। वे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना मुझे दिखाती है तू, ठीक है। अब बुरे अगर नहीं होते तो छोड़ने भी जाते, पर छोड़ने के वक्त तो टाइम नहीं था पायल मेरे पास, तो मेरे को उधर से अच्छा लगा तो मैं आ गई, ठीक है। हाँ। इससे ज्यादा है ना मैं नहीं बोलूंगा गाइस। खुशबू जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, क्योंकि आज सारा का सारा खाना जो है वो यही बनाने वाली है। तो भाई शेफ खड़ी है इधर। अच्छा ये बता पायल और मम्मी तेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको करने लायक नहीं है। मम्मी आप सारा का सारा बता दो उसको, वो है ना आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके सारा का सारा खाना बना देगी। हाँ, तो इसीलिए तो मैं इधर खड़ी हूँ। ठीक है, सबसे पहले खीर बना रही है। हाँ। खीर की चीनी आप बताना, ठीक है, कितना डालना है? वो डाल लेगी। उसको आता है? डर लगता है पूरी फ्राई करने में, और अभी वही काम मैं करने वाली हूँ। अरे तेरा तेल जो है एकदम गरम गरम हो चुका है, देखना कितना भाव आ रहा है, जल्दी डाल। देखो ये गया हमारा फर्स्ट पूरी तेल के अंदर, और देखते हैं फूलता है कि नहीं। फूलेगा कि नहीं फूलेगा? फूलेगा। बोल के फुलवा दी इसको। हाँ तो अगर नहीं बोलती ना तो फूलता भी नहीं। कुछ भी बोलती है ये लड़की, मेरी बात मान रहा है वो। तीखा मत बना दियो खुशबू, जैसा बनेगा चुपचाप खा लेना। तू भगवान जी को अच्छा खाना खिला, ठीक है। भगवान जी है ना सब में खुश होते हैं। तू मर्चा? हाँ। ए मम्मी तीखा हो जाएगा। हाँ, तो मैं बताती हूँ मम्मी को। हाँ, तीखा अच्छा बस हल्दी डाल और हल्दी। हाँ। ऑलरेडी डाल दिया है उसने हल्दी, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डलवा रही है तो अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, जब बेकार टेस्ट करेगा ना तब पता चलेगा। इतना सारा मसाला, चलिए गाइस सब्जी जो है वो बनने वाली है थोड़े देर में, और देखने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। अभी तो खाने को नहीं मिलेगा, पहले भगवान जी खाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। पूजा की सारी
सारी सामग्री है ना एक जगह रख दी है। सो ये रहा मम्मी का पूजा का थाली जो खुशबू ने तैयार किया है और बहुत ही अच्छे से तैयार किया है खुशबू ने, थैंक यू। और ये रही हमारी माता रानी, बस ये एक दिया में है ना घी डालना है, फिर रेडी है पूरा सामान इधर, और फिर अब हम जाएंगे मम्मी को रेडी करने। मम्मी पूरी चेंज हो जाने वाली है। मम्मी तो बिल्कुल रेडी नहीं है तैयार होने के लिए, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ तो करना पड़ता है, व्रत है, पूजा है, है ना मम्मी? ओके, तो मम्मी होगी ना तैयार आप? नहीं अब ऐसे तो पूजा में बैठेगी नहीं मम्मी। हो जाऊंगी। हो जाओगी। जैसे कि आप लोगों को पता है मम्मी पहनने वाली है ये वाली, अरे एक मिनट, मम्मी पहनने वाली है ये वाली भरचक साड़ी। मम्मी को रेडी करने के लिए मैंने ये फ्लावर्स रेडी कर लिए है। इन फ्लावर्स के अंदर मैंने ऐसे पिन लगा दिए ताकि है ना मम्मी के बाल में स्टेबल रहे। गाइस फाइनली मम्मी जो है वो रेडी हो चुकी है। पापा कैसी लग रही है मम्मी? सुपर सुपर। सिर्फ छठ को ऐसा तैयार होती है और करवा चौथ को, है ना खुशबू? हाँ, क्योंकि मम्मी को लगता है कि क्या रेडी होने में है। हाँ बस बस पापा बस बस, ये आज कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ के आ रहा है क्योंकि आज करवा चौथ है ना इसलिए। पापा अच्छा गिफ्ट भी लाए होंगे मम्मी के लिए ना? ये मेरा ही दिया हुआ है ना। आज देने का होता है, ये तो कब का दिया है। तो मैं पहले ही दे देता हूँ सब। देखा, हो गई बोलती बात। गिफ्ट ना देने के इतने बहाने हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। मम्मी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, सिर्फ आलता लगाना बाकी है जो मम्मी को लगा रहे हैं, और उसके बाद मम्मी बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगी। एक काम ये लोग ढंग से नहीं करते, आलता लगा रहे हैं और सारा का सारा है ना मार्बल के ऊपर गिरा रहे हैं। जो दो दिन बाद छूटेगा। ये ज्यादा मत गिराओ, कलर नहीं छूटेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो जानबूझ के थोड़ी गिरा है। अरे एक कपड़े के ऊपर रख के करती ये सब करना था तो अब हो गया। गलती होती है ना तो मानती नहीं है, गलती होती है तो मान लेने की पायल। हाँ, मान लिया बस। देखते हैं आपसे बचता है कि नहीं। इतना चावल था, अगर आपसे नहीं बजेगा तो हमारी खुशबू है ना, मुझे तो और अच्छे से बच जाएगा। आदत चली गई है, पहले तो बजा लेती थी, पहले बजाती थी क्योंकि पहले रोज बजाती थी इसलिए आता था, अब रोज नहीं बजा। चलो चलो बजाते। पापा खुशबू को दे दीजिए, आप दे दीजिए नई हार मानेंगे तो क्या देंगे? ले 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 खुशबू, इज्जत रखना मेरी। चावल गुड़ आदि से गणपति जी की पूजा करें, रोली से करवे का स्वास्तिक बनाए और 13 बत्तियां रखे, स्वयं भी बिंदी लगाए और गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने, कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करे और करवा उन्हें दे दे, पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख ले, रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ दे, फिर भोजन करे। यदि कहानी पंडिता इन से सुनते हो तो गेहूं चीनी और पैसे उसे दे दे, यह बहन बेटी हो तो गेहूं चीनी और पैसे उसे दे दे। मैं तो इसमें आते ही नहीं। मम्मी ने हमको बोला है चांद देखकर आ जाओ, मैं और खुशबू जा रहे हैं और देखकर आते हैं कि चांद जो है वो आ चुके हैं कि नहीं। ठीक है खुशबू, अरे खुशबू जल्दी आ, अरे भाग के चल फटाफट से खोल। हाँ। अरे गेट तो खुला ही हुआ था। सो गाइस देखते हैं चांद जी आए हैं कि नहीं। कहाँ है? अभी नहीं निकले, अभी चंद्रमा जी नहीं निकले भाई।
आज निकलेंगे ना? ऑब्वियसली खुशबू, ऑब्वियसली बात तो है। पता चला कि कल तक व्रत रखना पड़ा मम्मी को। नहीं ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। एक काम करते खुशबू, ऊपर देख कर आते हैं। चलो ऊपर शायद आए होंगे क्योंकि अपने को दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये है ना, ये लगा हुआ शेड उसकी वजह से। नहीं 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 आए हैं चांद जी, नहीं आए ना। नो नो नो, आई थिंक बादल है। क्या बादल है? बादल में थोड़ी ना छुप जाएंगे। अरे हाँ होता है, जब बादल होते हैं ना तो भगवान जी हमें नहीं दिखते। देखो गाइस, जब भी मम्मी तैयार होती है ना तो पापा का एक ही काम होता है, फोटो खींचना। अब पापा के फोन में इतना सारा करवा चौथ का फोटो आपको दिखेगा ना कि पूरा उनका गैलरी भर जाएगा। गाइस मम्मी ने आज कैमरामैन जो है वो बदल लिया है, आज मम्मी का सारा फोटो खींच रहे हैं पापा। फोटोग्राफर भैया। कैसा मम्मी फोटो आ रहा है पापा के द्वारा? अच्छा आ रहा है। आपके चंदा मामा कहाँ है? सब लोग अपना स्टेटस रख रहे हैं व्हाट्सएप पे। हमारे चंदा मामा आज देर से निकलेंगे। एक बार और जाकर चेक कराओ क्या? जाओ देख कर आओ। 9 तो बज गए, 9:30 तक आ ही जाएंगे। अरे मम्मी बहुत लेट हो रहा है ना, अपने ढाबे से नहीं दिखते। मम्मी के कहने पे फिर से मैं आ चुका हूँ टेरेस पे। ओ चंदा मामा, चंदा मामा, ओ चंदा मामा, आज लगता है बहुत ही लेट है ना, निकलेंगे चंदा मामा जी। सो गाइस वो लाइट दिख रही थी ना तो मुझे लगा चंदा मामा जी है ना निकल गए हैं, फिर मैंने सोचा इतना नीचे चंदा मामा जी कैसे निकल सकते हैं। ऊपर से लिख कर आया, मुझे दिख नहीं रहा है टेरेस पर से। नहीं दिख रहे तो मैं इंतजार करती हूँ। हाँ इंतजार करो। पता है क्या हुआ, एक लाइट जल रहा था, मैंने लाइट को चंदा मामा जी समझ लिया था, फिर मैंने सोचा इतना नीचे चंदा मामा जी कैसे निकल सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। फाइनली हमको चांद नजर आ चुका है और मम्मी और पापा है ना टेरेस पे भी आ चुके हैं और वो लोग है ना पूजा करेंगे और हम लोग शांति से फोटो खींचेंगे क्योंकि हमारे हाथों में बहुत सारा कैमरा इन्होंने थमा दिया है। ऐसे तो मैं लाइट पकड़ दी थी लेकिन इतना लाइट आ गया है तो मेरा वो जॉब चला गया है। अब कैमरामैन बन चुकी है पायल और पापा का फोटो तू अच्छे से खींचना उनके फोन में। ये क्या है? ये मम्मी, ए मम्मी क्या सीख 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 नहीं सीख गोवाली हाथों में है पूजा की थाली। ओ एक बार में नारियल फूटता है तो उसको शुभ कहलाता है ना। हाँ, शुभ माना जाता है। अरे भाई बस, मैं हर एक चीज गलत नहीं बोलता हूँ, मुझे करेक्ट करते मत बैठ तू बहन। इसमें भी इन लोगों को झगड़ना है बाप रे। वो नोक झोक होती रहती है ना मम्मी। हाँ। इतना दूर 0.5 में भी नहीं आ रहा है मेरा तो। मेरा तो फोटो आधा कट रहा है। ए भाई अब गाओ यार, कोई और गाओ। यही गाना आता था। चांद छुपा बादल में शर्मा की मेरी जाना। खींचो खींचो फोटो खींचो बहनों, कैसे दिख रहे हैं मम्मी पापा? बिल्कुल चांद की तरह। कैसे मतलब अच्छे दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं? हाँ। पहले से ज्यादा अच्छे। पानी 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 पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। मैं बोलने वाली थी पति जी पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। अब पूरा हंसेगी मम्मी। पापा फोटो नहीं अच्छा आएगा फिर। ऐसे ही पिला दीजिए ना, वो तो थोड़ा सा मुंह में चला गया, मतलब व्रत खुल गया।
ओहो कॉमेडी कर रहे हैं खींच फोटो खींच ये तो भोजपुरी एक्ट्रेस और हीरो होते ना ऐसे फोटो खिंचवाते हैं, उनके मूवीज का कुछ होता है ना पोस्टर के लिए मम्मी का व्रत जो है वो खुल चुका है और अब हम लोग खाएंगे मस्त खाना, सब्जी पूरी खीर। सब्जी तो खुशबू ने बहुत ही टेस्टी बनाई है, अब देखते हैं खीर कैसा दिख रहा है। सो गाइस खीर भी अच्छा बना है लेकिन पानी थोड़ा कम डाला है इसके अंदर, मीन्स दूध, और गाइस पूरी भी है। चलो मैं फटाफट से खा लेता हूँ। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।